आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नवरात्र का छठवां दिन माता कात्यायनी की पूजा से आप बनते हैं साहसी और निर्भक। विवाह में आने वाली बाधाओं को हर लेती हैं माता कात्यायनी देवी। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी को निर्भीकता और साहस की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायनी देवी का नाम कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी देवी को दुर्गा माता का छठवां अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्रि पर देवी कात्यायनी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है तो उस भक्त को माता साहस और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। जानिए कात्यायनी देवी की पूजा विधि। कात्यायनी माता के पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता कात्यायनी की चौकी लगाएं। कात्यायनी देवी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के छठवें दिन पीले रंग के वस्त्र को जरूर धारण करें और माता की चौकी लगाते हुए पीले रंग का कपड़ा और फूलों का प्रयोग करें। कात्यायनी देवी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग चढ़ाएं। कात्यायनी देवी की आरती और मंत्रों का जाप करें। जानिए माता कात्यायनी को किन चीजों का लगाएं भोग। माता कात्यायनी को पीले और लाल रंग की चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी देवी को पूजा में पीले और लाल रंग के गुलाब चढ़ाएं। आप चाहें तो कात्यायनी देवी को गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। कात्यायनी देवी को शहद और मूंग दाल हलवे का भोग लगाया जाता है। विवाह में अर्चन अथवा शीघ्र विवाह के लिए ऐसे करें माता कात्यायनी की पूजा। जानकार विद्वानों के अनुसार जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही है और वह लोग आज के दिन गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी के सामने दीपक जलाए। इसके बाद माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें। फूल के बाद हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जप करें और इन 3 गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। अब जानिए माँ कात्यायनी की कथा के बारे में। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा इसकी भी एक कथा है। मान्यता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहा पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है।
माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी चार भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। कात्यायनी माता की छवि के बारे में जानिए। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्ज्वल है। इनकी चार भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाएं इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। माता की उपासना का महत्व जानिए। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परमपद का अधिकारी बन जाता है। आत हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। देवी कात्यायनी की पूजा के मिलने वाले लाभ जानिए। सबसे पहला लाभ वैवाहिक जीवन में सुख का है। देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रण में रखती है। आथ देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा भी देवी कात्यायनी दूर करती है। विवाह बाधा अथवा वैवाहिक समस्या दूर करने के लिए दुर्गा षष्ठी के दिन कात्यायनी माता के विग्रह के सामने जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वह है, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानव घातिनी। इसका अर्थ होता है कि हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली नारायणी स्वरूपिणी हो, तुम्हें नमस्कार है। देवी कात्यायनी की पूजा से मनुष्य को जो लाभ भी प्राप्त होते हैं, उनमें अर्थ की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अलौकिक तेज और प्रभाव की प्राप्ति, रोग, शोक, संताप, भय आदि से मुक्ति, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति आदि शामिल है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।